अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर गुलाम रसूल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इज्तमाईयत, तश्कील मुआशरत और उसवे हसना। इज्तमाईयत कहते हैं इज्तमा से ये लफ्ज़ लिया गया है मिलजुल कर रहना। बेटा इंसान तबान मुआशरत पसंद है, यानी कि हम सब जो जितने भी इंसान है ना, ये सब लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद नहीं करते। शुरू से यही तबा ज़िंदगी बसर करने का आदि, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक ऐसे ही है जी। मशहूर मौरख इबन खलदून ने अपनी मारकतुल आरा किताब में अलमुकदमा में यही बात लिखा है जी कि अफराद इंसानी का इकट्ठे मिलजुल कर रहना एक अमर नागुज़ीर है जी। ये वो हकीकत है जिसे अहले इस तरह जो है वो करते हैं कि इंसान पैदाइशी तौर पर मदनीत पसंद वाक़ हुए। मदनीत मतलब कहते हैं मदीना अरबी ज़बान में शहर को कहते हैं, तो शहरीत पसंद, शहरों में रहने के जो है मिलजुल कर रहना पसंद, उसको पसंद है जी। इज्तमाही ज़िंदगी गुजारना इंसान का फितरी जज्बा है जी। इसका जिक्र कुरान में भी मौजूद है जी। यह हवाला है, ये भी अलग निशानी में से एक है कि उसने तुम ही में से तुम्हारे लिए बीवियाँ पैदा की ताकि तुम्हारे राहत और तस्कीन का सामान हो और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और शफकत जो है वो पैदा की। इस तरह सलम मुआशरत मीशत सियासत तमदन और खलाकत के बारे में तफसीली हिदायत हमें जो है वो दी हैं जी। आपसे कबल में मुआशरती निज़ाम बहुत टूट फूट का शिकार था जी। हर बंदा कबीला कबीला में बटा हुआ था और अपने कबीले को तरजीह दी थी, किसी की कोई हैसियत नहीं थी, सारे लोग परेशान थे। ये पैरा अपने पूरा पढ़ने में यह बात थी, कोई मुआशरती निज़ाम था ही नहीं जी। मुआशरत में तफसीम तकसीम थी। हमारे पैगंबर ने आकर इसका इस्लामी माशरे की बुनियाद रखी जी, ठीक है जी, तश्कील दिया, उसको बाकायदा आगाज़ किया जी। आपने तबलीग की, आपके तबलीग में बड़े बड़े लोगों ने आपका साथ दिया, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। उमर की ज़िंदगी में मशरक जो है वाज तौर पर ख़द वाल नहीं थे, लेकिन कोशिशें हो रही थी। जब आप मदीने में पहुँचे तो फिर वहाँ पर जाकर बाकायदा आगाज़ हुआ, मुवाखात हुई, मस्जिद नबी तमीर हुई। मस्जिद नबी की तमीर जो है वो आगाज़ से बाकायदा तौर पर नुक्ता आगाज़ है जी। हिजरत के बाद आपने मुसलमानों की इज्तमाई ज़िंदगी का सबसे अहम वाक़ा जो है मस्जिद नबी की तमीर के तौर पर पेश किया। आप खुद हिस्सा लेते रहे। इसके बारे में लिखा है कि मस्जिद दो यतीम बच्चों की थी, लेकिन आपने पैसे दिए और ख़ुद शरीक रहे। और फिर उस वक्त आप जब बना रहे थे तो ये भी पढ़ रहे थे, अल्लाहुम्मा ला आयशा इल्ला आयशा ला आयशा इल्ला आयशा तल आखिरा फ़ग़फिर अंसारी वल मुहाजरा। इसका तर्जमा है कि अल्लाह कोई मज़े की ज़िंदगी नहीं है मगर आखरत की ज़िंदगी में ऐश है, सुकून है, और अनसार को और महाजरीन को बख्श दे जी। आप उनको इनके आपस में भाई भाई बना रहे थे, मुआशरा बना रहे थे। फिर आपने मस्जिद में सिर्फ नमाज के लिए नहीं बनाई बल्कि सारी इज्तमाई सरगर्मियों का महवर थी जी। साथ साथ मदरसा भी था, मकतब भी था, मशरे भी थे, सारा काम जो है वहीं पर हो रहा था जी। साथ साथ फिर हमारे पैगंबर ने मुसलमान भाईचारा कायम कर दिया। मुवाखात मदीने साहब लोग पढ़ के बैठो, अनसारीन के अंस के मकान पर जो है उनको भाई भाई बना दिया जी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मौत के बाद नस्बी करादारों के बजाय यह दूसरे का वारिस था जी। और मारूफ आलमदीन गजाली ने लिखा हुआ है कि हमारे पैगंबर ने ऐसी जो है उन लोगों को उनके कदरों और उनके शऊर ज़मीर में पैदा की, उनको परवान चढ़ाया कि फिर उनकी सख्त निगहदाश्त की कि उनकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई। यही वजह है कि इस्लामी सोसाइटी सदियां गुजर गई मगर लेकिन कदरें अपनी जगह जो है वो जमी हुई हैं। हालांकि इंसानी बड़े बड़े बाद मुखालिफ के बड़े बड़े तूफान गुजर गए, बेशुमार अवामल इन कदरों के खिलाफ काम करते रहे मगर ऐसा नहीं सका। ये हमारे पैगंबर ने जो है उनको काम किया जी। ऐसे ही आपने अरबी माशरे में जो है गुलामजादे को रिश्ते में बड़ा हसास मसला था, आपने अपनी फूफीजाद बहन का निकाह कर दिया जी। ठीक है, और ज़ैद बिन हारसा को जो हज़रत मुतब लश्कर का अमीर बनाया, उनके बेटे को हज़रत उसामा को जो है वो बड़े सहाबा की मौजूदगी में जो है लश्कर का अमीर बनाया, सलमान फारसी को अपने अहल बैत का फर्ज करार दिया। ठीक है, ये सारी बातें जो है मौजूद हैं जी। हकूक व फ़रैज़ का तायुन किया जी हमारे पैगंबर ने, हर एक की जिम्मेदारी लगाई, हर एक का जो है हक भी बता दिया जी। इससे जो है मुआशरा बन गया जी। आपने मियाँ बीवी वालदेन उस्ताद शागिर्द हमसाए गैर मुस्लिम के हकूक मुकर्रर फरमा दिए। इस तरह हर तबका अपने अपने हकूक और फ़रैज़ से आगाह था और उसके लिए जो है उनके खिलाफ जब उनको टोका भी जा सकता था। आपके कायम करदा मुआशरे में हर फर्द अपने फ़रैज़ अदा करने के लिए मुस्ताद था, दूसरों को अपने मफादत पर तरजीह देता था। यही हमारे पैगंबर ने काम किया है जी। मुसावात का अमली मुजाहरा, आपने पूरी ज़िंदगी में जो काम कहा उसमें कोई फ़र्क नहीं रखा, हर एक के लिए एक जैसा सलूक करते थे जी। आपने ऊंच नीच के जो है खुद साख्ता मौजूद जो बने हुए थे उनको जो है वो कर दिया और अल्लाह ताला का हुक्म उनके सामने है रखा कि या युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़कर व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबा व क़बाइल लितआरफ़ू।
इन्ना अकरमकुम इंदलातकाकुम, ए इंसानो, अल्लाह ने तुम्हें एक मर्द एक औरत से बनाया है और फिर तुम्हारे कबीले और तुम्हारी ज़ातें बनाई ताकि तुम्हारा तआरुफ हो सके। अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला वो है जो तुम में से मुत्तकी है। जी अपने नस्ल तफाखुर से मना करते फरमाया, किसी अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फजूलत नहीं है, न काले को गोरे पर न गोरे को काले पर, हाँ मत जो है वो तकवे की वजह से। जी गुलामों को आपने हकूक दे जी, आपने फरमाया अरकाकुम अरकाकुम आए तो मोह मातासोन, ख्याल रखो गुलामों का, और जो खुद खाते वही खिलाओ और जो खुद पहनते हो वैसे ही उन्हें पहनाओ, ये भी आपने फरमाया। जी आपके निकाह और ख़ानदान का आपने इदारा जो है वो उसको मजबूत किया। आपने फरमाया निकाह मिन सुन्नति मन रावी बन सुन्नति फले से मैंने, जिसने निकाह किया वो मेरी सुन्नत में से है और जिसने मेरी सुन्नत को एराज किया निकाह ना किया वो मेरे मस में से नहीं। बेनिकाह जिंदगी की मजम्मत फरमाई, आपने फरमाया ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में तो कोई रहबानियत नहीं है। निकाह का फ़ायदा किया है, आपस में ताल्लुक मजबूत होता है, मर्द औरत की ज़रूरियात पूरी होती है, फितरी ज़रूरियात, नस्ल इंसानी आगे बढ़ती है, जिनसी एनार्की ख़त्म होती है, पाकीज़ा माहौल होता है। इमदाद बाहमी का असूल इस्लामी सोसाइटी की हकीकी शिनाख्त है। आपने फरमाया था दूसरे को मदद किया करो, ज़कात का निज़ाम इसी लिए है जी, ज़कात कंदतुल इस्लाम। एक और है कदीफ तौराज़ा अलैहिम सदकातुन, अल्लाह तआला ने फरमाया तुम पर फ़र्ज़ है सदकात देना, फिर हमारे अपने मालों में से तो खजू मीना गनिया हम तुम्हारे अमीरों से ली जाएगी और तुरदू इला फ़कुर और तुम्हारे गरीबों की तरफ लौटा दी जाएगी। तो ये सारी बातें आपने फरमाई। फिर आपने बहुत सी जो है तरगीब भी दी माल खर्च करने के हवाले से कि वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता जिसका जो है पड़ोसी भूखा हो। आपने ऐसी बातें जिससे झगड़े पैदा होते हैं उनको उन पर पाबंदी लगा दी, गीबत करना, तजस्सुस, बदगुमानी, ऐब तलाश करना, सौदे पर सौदा, बोझ, कतअ ताल्लुक़, किसी को रुसवा करना, ये सारी चीज़ें आपने पाबंदी लगा दी। आपने इजतमाहियत और तश्कील, ये हासिल कलाम है, आपने इजतमाहियत और तश्कील माहद के असूल वजह करके लोगों को वाजे कर दिया, उनकी पैरवी ज़रूरी की। फिर खिलाफ इशारा करने वालों को रोको, आपका सबसे बड़ा कारनामा इन असूल पर खुद अमल करना, यानी कि आप इन चीज़ों पर पहले खुद प्रैक्टिस करते थे और दर हकीकत यही फैक्टर है जिसकी वजह से सलाम मुआशरे की तश्कील में जो है अहम किरदार अदा हो सके। जी यहाँ तक इसका जो है जवाब आता है। जी ये भी एक सवाल इंतहाई जो आपने तैयार करना है। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।